जायंट मंकी एंड शेर। एक घना जंगल था जिसमें सारे जानवर मिलजुल कर राजी खुशी रहते थे। एक शेर भी था जो कि बहुत ही ताकतवर था। उसे अपनी ताकत का जरा भी घमंड नहीं था। शेर बहुत दयालु भी था। अचानक एक दिन हाथी को कोई बड़ा सा जानवर दिखाई दिया। हाथी हिरन से कहता है, पता है आज मुझे एक बहुत बड़ा जानवर दिखाई दिया है। अरे पर इस जंगल में तुमसे बड़ा कौन होगा? तुमने अपने आप को तो नहीं देख लिया? तुम्हें मजाक लग रहा है, सच में मैंने एक जानवर देखा है। ठीक है ठीक है, तुमने महाराज को ये खबर बताई है क्या? वही तो जा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे कई साथी गायब है। हम सोचते रहे कि महाराज का काम है, पर इतने ज्यादा साथियों का गायब होना तो कोई राज की बात ही होगी। दरअसल दूसरे किसी जंगल से एक विशाल सा बंदर इस जंगल में घुसा हुआ है जो बहुत ही क्रूर था। विशाल बंदर कहता है, मैं हूं सर्वशक्तिमान, मुझसे ताकतवर कोई नहीं, अब इस जंगल को भी तबाह कर दूंगा। विशाल बंदर अपने घमंड में चूर था। बिना वजह ही निर्दोष जानवर को दबोच कर वो मार देता था। उधर हाथी ने शेर को सब बताया। महाराज, एक बहुत ही विशाल जानवर हमारे जंगल में घुस आया। वो बिना वजह ही जानवरों को मार रहा है। क्या, कौन है वो जो हमारे जंगल पर नजर गड़ाए है? महाराज, वो एक विशाल बंदर है। जल्दी उसका कुछ नहीं किया गया तो इस जंगल का संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा। हाथी की सारी बात सुनकर शेर उस विशाल बंदर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाता है। शेर हाथी से कहता है, तुम जाओ और एक बहुत बड़े पिंजरे का बंदोबस्त करो। जी महाराज। अगले दिन हाथी पिंजरा तैयार कर लेता है और शेर सबको समझाता है कि मैं किसी तरह से उस विशाल बंदर को इस पिंजरे में ले आऊंगा जिसमें दो दरवाजे हैं। जब मैं इसमें घुस के निकल जाऊं तो वैसे ही बंदर इसमें घुसे तो हिरन पीछे का दरवाजा तुम बंद कर देना और फौरन ही हाथी भाई तुम आगे का दरवाजा बंद कर लेना। ऐसा समझा कर शेर खुद ही विशाल बंदर से मिलने चले जाता है। और जब बंदर शेर को दिखता है तो बंदर कहता है, आओ आओ राजा साहब, यहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे किस बात का इतना घमंड करते हो तुम? तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता? तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े हो और अब तो मैं इस जंगल का राजा बनने वाला हूं। ऐसे ही कोई राजा नहीं बनता शरीर से, उसके लिए दिमाग भी चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम सच में इस जंगल के राजा बनना चाहते हो तो मेरे साथ रेस करनी होगी। क्या कहा, रेस? कैसी रेस? हम में से जो यहां से दौड़ लगाकर जंगल में जो पिंजरा है उसमें पहले पहुंचेगा वही राजा कहलाएगा, और इसमें मुझे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। ठीक है शेर, ये भी कर लेते हैं। फिर दोनों के बीच रेस होती है। ठीक योजना के मुताबिक शेर फुर्ती से उसमें घुस जाता है। और दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है और उसके तुरंत बाद ही बंदर उसमें घुसता है। हिरन पीछे का दरवाजा बंद कर देता है और हाथी आगे का। शेर बंदर से कहता है, कहो सर्वशक्तिमान, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? महाराज, इसे खाई में फिकवा दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। तुमने हमारे बहुत से निर्दोष जानवरों की हत्या की है, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने शरीर की शक्ति से चूर हो गया था, चाहता तो इस शरीर का सदुपयोग कर सकता था। कृपा करो और मुझे माफ कर दो। शेर बहुत ही दयालु था तो उसने जाने दिया और फिर वो बंदर जंगल छोड़कर चला गया। इस कहानी से यह पता चलता है कि बिना दिमाग के अपनी ताकत किसी काम नहीं होती और चीजों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। लालची लोमड़ी। बहुत दिनों की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। उसको बहुत भूख लग रही थी। आज तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं आज मैं मर ही ना जाऊं।
ये कहते कहते वो पूरे जंगल में घूमते घूमते अब थक चुकी थी, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक बंदर दिखा। बंदर के पास एक केला था। लोमड़ी ने बंदर से गुहार लगाई। बंदर भैया, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या ये केला तुम मुझे दे सकते हो? आज अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। लोमड़ी की हालत देखकर बंदर को उस पर तरस आया। हाँ बहन, तुम ये केला ले लो, मेरे पास पेड़ पर और भी केले हैं। ये कहकर लोमड़ी ने बंदर के हाथ से केला ले लिया और आगे चल दी। थोड़ी दूर चलते चलते उस रास्ते में एक हाथी दिखा। हाथी के पास बहुत सारे अमरूद थे। लोमड़ी की नीयत खराब हुई। उसने केला छुपाया और हाथी से कहा, हाथी भैया, हाथी भैया, मुझे एक अमरूद दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बेचारे हाथी को भी लोमड़ी पर तरस आ गया। उसने इतने सारे अमरूदों में से एक अमरूद लोमड़ी को दे दिया। अब लोमड़ी के पास केले और अमरूद थे, वो बहुत खुश थी। थोड़ी दूर जाकर एकांत में उसने पेट भर के केले और अमरूद खाए। आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया, अब कल की जुगाड़ करूंगी। और ये कहकर वो मजे से सो गई। दूसरे दिन जब वो जागी तो खाने की तलाश में फिर से निकली। तभी चलते चलते रास्ते में उसे एक मांस का टुकड़ा दिखा। लोमड़ी वो देखकर बहुत खुश हुई। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, न जाने कब से मैंने ताजे मांस को नहीं खाया, आज ये पूरा खा के चट करूंगी। तभी अचानक वो पुराना बंदर जिसने लोमड़ी को केला दिया था, अचानक लोमड़ी के सामने आ जाता है और वो भी वो गोश्त देख लेता है। अरे वाह लोमड़ी बहन, आज तो ताजा गोश्त मिल गया, चलो हम दोनों मिल बांट कर इसको खाते हैं। लोमड़ी बंदर को पास बुलाती है, उसे गोश्त सुंघाती है। बंदर सुनकर खुश हो जाता है। ये तो बहुत फ्रेश लग रहा है, मेरी तो भूख ही बढ़ गई। अच्छा मैं तुम्हें ये नहीं देने वाली हूँ, ये मेरा है, चलो सूंघ लिया ना, बस उतना ही काफी है, निकलो यहाँ से। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर हैरान हो गया। लोमड़ी बहन, कल मैंने तुम्हें अपने पास का एक केला दिया था, याद करो तुम कितनी जरूरतमंद थी, और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे याद नहीं, चलो निकलो यहाँ से। ये कहकर बेचारा बंदर मायूस वहां से चला जाता है और लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को लेकर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने का योजना बनाती है। पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही वो गोश्त को खाने जा रही थी, तभी पेड़ के ऊपर कौओं का कुछ झुंड आता है। वो भी उस गोश्त के टुकड़े को देख लेते हैं और उनकी नीयत खराब होती है। ए, वो देख, ताजा गोश्त का टुकड़ा, इस लोमड़ी को बेवकूफ बनाकर इससे वो गोश्त छीन लेते हैं। ये सोचकर दोनों कौए आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई वो देखो, नीचे कितनी सुंदर लोमड़ी है। हाँ भाई, ये तो बहुत ताकतवर भी है। ओ, इतनी अच्छी लोमड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। तारीफ सुनकर लोमड़ी फूली नहीं समा रही थी। अब उसका ध्यान उसके गोश्त के टुकड़ों पर नहीं बल्कि दोनों कौओ की बातों पर था। बस उसी का फायदा उठाकर एक कौए ने लोमड़ी से बातें करना शुरू किया और दूसरा कौआ उसके मुंह से उस गोश्त के टुकड़े को उठाकर ले गया और बेचारी लोमड़ी वहीं उसे ताकती रह गई। तो देखा, लालच हमेशा बुरा करती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए। जूनागढ़ नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल में एक बिल्ली रहती है और बिल्ली के कई सारे बच्चे होते हैं। जंगल में कई सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, जिस वजह से माँ बिल्ली अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, ये एक जंगल है, यहाँ पर हर तरफ खतरा ही खतरा है। माँ, ये खतरा क्या होता है? खतरा मतलब धोखा बेटे। धोखे से क्या होता है माँ? धोखे से हमारी जान जा सकती है, इसीलिए मैं जो कह रही हूँ वो सब अच्छे से सुनना। ठीक है माँ, कहो तुम क्या कह रही थी। अकेले जंगल में घूमने नहीं निकलना,
क्योंकि कोई भी जानवर तुम्हें खा सकता है, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन जैसे ही माँ बिल्ली खाना ढूंढने बाहर जाती है, सारे बच्चे अपने साथियों के साथ जंगल में घूमने निकल जाते हैं। घूमते घूमते बिल्ली के बच्चे कई सारे जंगली जानवर देखते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। भागते भागते वो कई सारे जंगली जानवर देखते ही रहते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा शेर उनके सामने आता है। उसे देखकर सभी बिल्ली के बच्चे डर के मारे कांपते रहते हैं। शेर कहता है, अरे नन्हे नन्हे बच्चे, किसके है? तुम कितने स्वादिष्ट होंगे खाने में। वाह, देखो हम माँ को ढूंढने जा रहे हैं, हमें जाने दो। लेकिन तुम्हें जाने दिया तो मैं किसे खाऊंगा और मेरी भूख कैसे मिटेगी? ऐसा बोलकर शेर धीरे धीरे उन बच्चों के पास आने लगता है। लेकिन ध्यान न होने की वजह से वो शेर गलती से बाजू में ही एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। शेर की चिल्लाहट देख के बिल्ली का एक बच्चा कहता है, लेकिन हम आपको कैसे बचाएंगे? हम तो अभी बहुत छोटे हैं, और वैसे भी अगर हमने आपको बचाया तो आप हमें फिर भी खा जाओगे ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं पक्का नहीं खाऊंगा। देखो तुम एक शेर हो और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम एक काम करेंगे, एक रस्सी को सामने वाले पेड़ पर बांधकर हम चले जाएंगे, फिर तुम अपने आप ही ऊपर चढ़कर निकल जाना। ऐसा बोलकर वो बिल्ली का बच्चा जल्दी से एक रस्सी लेकर पेड़ को बांध देता है और शेर के पास गड्ढे में छोड़ देता है। और सारे बच्चे जल्दी से घर जाकर सारी बात माँ बिल्ली को बताते हैं। माँ कहती है, देखो बच्चों, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। आज वो शेर गड्ढे में गिर गया, इसीलिए तुम सभी भाग गए। लेकिन सोचो, अगर वो गड्ढे में नहीं गिरा होता तो तुम्हारा क्या हुआ होता? इसीलिए माँ की बात हमेशा सुनना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही एक दिन माँ बिल्ली बच्चों को समझाकर बाहर जाती है। तभी बच्चों को अकेला देखकर एक लोमड़ी उन्हें खाने आता है। लेकिन शेर उसे देखकर उसके पास आता है और उसे भगा देता है। ये कहानी अच्छा है, लाइक करो, शेयर करो। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। गधा और सिंह। एक सिंह और एक गधे में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। यद्यपि उनका स्वभाव भिन्न था, परंतु वे हमेशा साथ साथ घूमते थे। गधा और सिंह जहां भी जाते वहीं अन्य प्राणियों में भगदड़ मच जाती। दरअसल यह होता तो शेर की वजह से था, मगर गधे को बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु उससे भी दहशत खाते हैं, और वह भी एक बलशाली जीव है। एक बार जब वे जंगल में साथ साथ घूम रहे थे तो उन्होंने भेड़ियों का एक झुंड देखा। भेड़ियों को देखते ही गधे की मानसिक वीरता जाग उठी और वह सिंह की नकल करता हुआ ढीचू ढीचू करता हुआ उनकी ओर ऐसे झपटा जैसे उन्हें खा जाएगा। भेड़ियों में ये भगदड़ मच गई, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जिधर मौका मिला उधर भाग निकला, उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह सब देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत गर्व से चलता हुआ वह आपस शेर के पास आया। उसको देखकर सिंह ने कहा, क्यों मित्र, इतनी जोर जोर से क्यों ढेक रहे थे? क्या बात थी? अरे मित्र, शायद तुमने मेरी वीरता नहीं देखी। भेड़ियों का झुंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया। वे समझे मैं उन्हें खा जाऊंगा। कितने डरपोक है। गर्व से सीना फुलाकर गधे ने कहा। उसकी बात सुनकर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगा। ओ, तो ये कारण है जो तुम इतने प्रसन्न हो? अरे तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक गधे हो, सिंह नहीं। भेड़िए तुम्हारे डर से नहीं बल्कि इसलिए भाग गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था।
एक दोस्ताना सलाह देता हूँ, कभी अकेले हो तो यह काम मत करना, वरना वही भेड़िए तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। निष्कर्ष, दूसरों के बल पर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए।